और हमारे वार्ड में भी बहुत एक कैंडिडेट हैं, जिसमें एक हमारे रिजवान महमूद भाई भी हैं। जब रिजवान महमूद भाई का प्रपोजल मेरे कायदे मोहतरम अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब के पास आया, तो मैंने कहा साहब ये कैंडिडेट को ये वार्ड वर्कआउट नहीं होता। लेकिन मेरे कायद नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने कहा मेरा भाई रिजवान महमूद गरीब है, लेकिन अवाम में एक भाई की तरह उसने खिदमत किया है, मैं इसी को ये वार्ड दूंगा, तेरी जिम्मेदारी है। मेरे कायद ने मुझे कहा तेरी जिम्मेदारी है इस कैंडिडेट को निकालना। तो इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में 2 से 3 दिन कंटिन्यू मैं रिजवान भाई के साथ हूँ। आप तमाम माँ और बहनें मेरे रिजवान भाई का साथ देते हुए, आप लोगों ने देखा है चाहे वोटर आईडी का मामला हो, राशन कार्ड का मामला हो, चाहे बेसिक फैसिलिटी जो भी चीज़ हो, आपके डोर टू डोर तक आकर मेरे भाई रिजवान अहमद ने पूरी की है। आप लोगों का फर्ज है, आप लोग रिजवान भाई को बिना बताए बिना बोले पोलिंग बूथ स्टेशन तक जाकर सुबह 10 से 11 बजे से पहले आप अपना हक अदा करते हुए रिजवान भाई को अपना वोट देंगे इंशाल्लाह। मैं एक बार फिर तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप अपना कीमती वोट मोहम्मद रिजवान अहमद साहब को देकर कामयाब करें। रिजवान अहमद भाई का सीरियल नंबर 3, मुबारक नंबर 3, डेट भी 3, सब 3 है। मेरे भाई नासिर उस्ताद का हाथ मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में एमएलए इलेक्शन भी है। तो आप अगर रिजवान साहब को अगर जीतेंगे तो नासिर साहब को जिताए सरकार है, और नासिर साहब जीते तो कुमार स्वामी जीते, कुमार स्वामी आगे बनने वाला चीफ मिनिस्टर है। ये जो हालत अभी चल रही है बीजेपी कांग्रेस MIM, ये तीनों पार्टी क्या काम कर रहे क्या नहीं कर रहे आपके सामने की बात है। और जब भी कुमार स्वामी CM रहे, हालांकि हेगड़े के पीरियड से भी बेहतरीन काम करे सो है पूरा जनता दल में, हेगड़े हो, SR भूमि हो, तुम्हारा JS पटेल हो, उसके बाद हमारे देवगढ़ा साहब हो, उसके बाद कुमार स्वामी 2 बार CM बने। 20 महीने में क्या काम किए हैं आपको बहुत सोचना चाहिए। 14 महीने भी उन्होंने काम किए, काम करने का देख के कांग्रेस वाले जल के पूरे 15 लोगों को लेके बीजेपी को भेज दिए उन्होंने सिद्धरामैया जी, क्योंकि कुमार स्वामी फेमस होते बोल के। तो ये हालत कांग्रेस में है, तो अभी कांग्रेस का कैंडिडेट तो यहाँ का नहीं है आपका, उन्होंने रहने वाले तारफेल में, तो आप तारफेल को जाएंगे, इन्हों कहाँ भी मिल सकते आपको। तो ये हिसाब से अगर आप रिजवान भाई को अगर वोट देंगे जिताएंगे तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपका काम भरपूर काम होना है डेवलपमेंट का बोले तो आप रिजवान साहब को दीजिए। और तमाम लोगों को मैं आप और एक बात आदमन गुजारिश करता हूँ कि ये सीट अगर आप लाए तो हम नासिर साहब आगे जो भी आपका प्रॉब्लम है ये एरिया का इंशाल्लाह पूरा भरपूर 100% काम करने की कोशिश करेंगे। आप इनको जिता के लाए, 6 CM बने, PM भी बने समाज पार्टी का देवगढ़ा साहब, तो ये पार्टी को देना आपको ज़रूरी है, क्यों काम हो सकता है आपका। तो उसके लिए आप सोच समझ के जहाँ भी अगर 3 में 3 छोड़ के अगर रिश्तेदार उधर भी हैं, 2 में है, अगर कोई 19 आ रहा है, कोई 18 आ रहा है, आपके रिश्तेदार है, तो जो भी है जनता दल को वोट डालने के लिए बोलिए, क्योंकि सिंबल हमारा किसान है। औरत भारत लेको डेयरी जो है उसमें, और एक बात खास करके वार्ड नंबर 3 और सीरियल नंबर 3 पोलिंग डेट भी 3 है, तो उसके लिए मैं समझता हूँ अल्लाह के फजलो करम से ये हमारा कैंडिडेट जीतने का है। आप लोगों का कोशिश होना ज़रूरी है, आप पूरा भरपूर आप सुबह निकल के, क्यों उस दिन जुम्मा है बोल के ये करके तुम नमाज से पहले जो हो सकता है ज़्यादा कोशिश करना, उसके बाद नमाज के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट डालेंगे तो इंशाल्लाह जीतेंगे। जीतने का आपका डेवलपमेंट होना है, आपको हर एक बार हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ आप मेरे भाई रिजवान को आप जिता के लाइए, इंशाल्लाह आगे जो भी डेवलपमेंट करें। आज गुलबर्गा शहर में बहुत ज़्यादा चर्चा इसका हो रहा है, आज कॉरपोरेशन इलेक्शन में हर वार्ड में इलेक्शन की कैंपेनिंग चल रही है और जनता दल सेक्युलर के उम्मीदवार हर वार्ड में मुकाबला कर रहे हैं, बड़े डट के मुकाबला कर रहे हैं। हर वार्ड में इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी। वार्ड नंबर 3 यहाँ पर हमने आपके बीच में रहकर एक वर्कर को, आपके काम करने वाले हमारे एक भाई को रिजवान अहमद को हमने उम्मीदवार की हैसियत से आपके बीच में हमने चुना है। और आज इलेक्शन के अंदर वार्ड नंबर 3 का इलेक्शन झगड़ा शुरू हो गया, जुम्मा के दिन ही मारम मारी शुरू कर दिए। आज
उम्मीदवार कांग्रेस के कहां के हैं, वहां के हैं, एमआईएम का क्या है, मैं बात नहीं करूंगा। मैं यहां पर पूरे गारंटी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, ये बिल्कुल एहसास जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि रिजवान अहमद साहब आप ही के मोहल्ले के हैं, आप ही के बीच के हैं, और आपके तकलीफ को समझने वाले हैं, और आपकी आवाज को बल्दिया में उठाने वाले हैं, इसमें दो राय नहीं है। भाइयों, कांग्रेस की हालत क्या है, कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस के आप लोगों ने एमएलए के अंदर उनको चुन के भेजा है, उनको जिता के भेजा है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। आज क्या हालत, कौम के सामने सैकड़ों मसाइल है, एनआरसी का मामला है, सीडब्ल्यू का मामला है, असेंबली के अंदर वो कोई बात करना नहीं आता, बात नहीं करने वाले हैं, उनको आपने मौका दिया। आज साउथ में बीजेपी का एमएलए वो क्या काम कर रहे हैं मालूम नहीं। आज जनता दल सेकुलर से मैं दो बार यहां पर एमएलए के लिए आपके बीच में वोट मांगने के लिए आया, दोनों बार मुझे शिकस्त हुई, दोनों बार आपने हराया है, दोनों बार मेरी कामयाबी नहीं हुई। मैं हारने के बावजूद कभी हिम्मत नहीं हारा, आपके बीच में लड़ता आ रहा हूं, काम करते आ रहा हूं। ये इलेक्शन एक एक सीट की अहमियत का इलेक्शन है। मेरे हारने के बावजूद कुमार स्वामी साहब ने आपके इस भाई को पूरे कर्नाटक का सदर बनाया है, माइनॉरिटी का सदर बनाया है। आज पूरे कर्नाटक के मुसलमान देख रहे हैं कि नासिर हुसैन उस्ताद को सदर बनाने के बाद गुलबर्ग के मुसलमान क्या सियासी शऊर का जो है वो सबूत देंगे, क्या जनता दल सेक्युलर को मजबूत करेंगे, क्या एक मुस्लिम खयादत को गुलबर्ग के मुसलमान, गरीब मुसलमान साथ देंगे। ये सवाल आपके बीच में है, आपका भाई आपके सामने आया है। हमारी माँ और बहनों से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, बड़े आसानी से ले रहे हैं इलेक्शन के अंदर। हमारी माँ और बहनों को यह समझते हैं कि इलेक्शन में पैसे दे वोट डालते, ये वक्त नहीं है। आप पैसे लीजिए मगर आप जब वोट डालते हैं ये वोट शहादत है। आपके बीच में क्या कौन काम करने वाला है, आपके हक के लिए कौन लड़ने वाला है। आपका है भाई हारने के बावजूद लड़ रहा है, सीना तान करके खड़ा हुआ है, आपके दुआओं का जरूरत है। मेरे पीछे कोई गॉडफादर नहीं है, कोई लीडर नहीं है, बड़ा लीडर यहाँ पर आके बैठ के करने वाला। आज एमआईएम एक नई पार्टी यहाँ पर आई है, चार एमएलए उनके साथ गली गली फिर रहे हैं, वो प्लानिंग के साथ आ रहे हैं, वो करने के लिए आ रहे हैं। 3 तारीख के दिन वो चले जाएंगे, उसके बाद कोई रहने वाला नहीं है, उसके बाद अगर रहेगा तो है आपका भाई नासिर हुसैन। कांग्रेस की हालत आप देख चुके हैं, कांग्रेस की खयादत, कांग्रेस पार्टी मुसलमानों में गूंगी खयादत देती है। वो कहते थे इंदिरा, कोई कहता था कि गूंगी गुड़िया। आज हमारी मैडम को मैं कहना चाहता हूँ कि ये बाहर बात कर सकते हैं, सलाम वालेकुम बोल सकते हैं, वालेकुम सलाम बोल सकते हैं, 10% जो है कमीशन मांगने का काम कर सकते हैं, मगर कौम के लिए, कौम के दर्द को लेकर के असेंबली में आवाज़ उठाने का काम उनसे नहीं होगा। आपका भाई लड़ने के लिए तैयार है, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मेरे को अगर गॉडफादर है तो आप लोग हैं, मेरी माएँ हैं, मेरी बहनें, मेरे नौजवान साथी हैं। हर वार्ड की एक एक सीट अहम है। गुलबर्गा में चर्चा है कि वार्ड नंबर 3 कमजोर दिए नासिर भाई, वार्ड नंबर 3 कमजोर नहीं दिया, वार्ड नंबर 3 का उम्मीदवार आपका काम करने वाला है, आपकी खिदमत करने का जज्बा उसके सीने में है, उस एहसास के साथ मैंने आपको इनको उम्मीदवार बना करके आया दिया है, आपके हाथ में है। मैं चाहता हूँ कि एक एक वोट अहमियत का है, ये एमआईएम पार्टी को वोट मत दीजिए, ये हैदराबाद का खिचड़ी खट्टा चलने वाला नहीं, यहाँ पे तारीख आने का है। बहुत हो गए, दो दो मुस्लिम उम्मीदवार रहने के बावजूद तीसरा दिया, क्यों दिया, क्या दिया, उसके बारे में आप लोग सोचिए, बैठ के सोचिए, बीजेपी को जिताने के लिए। इसीलिए मैं इलेक्शन का दौर है, मेरी आवाज बैठी है, मैं अकेले ही तकरीर करना, मैं अकेले ही बात करना, जोर से करना। हमारे साथ जफर भाई भी जुड़े हुए, कोरेली साहब हमारे लीडर जुड़े हुए, उसके बावजूद आज कांग्रेस के पूरे लीडरशिप यहाँ पर है, बड़े बड़े लीडर आते हैं। मेरे साथ, मैं बड़ा लीडर नहीं हूँ, मैं आपका भाई हूँ, आपका घर का बेटा हूँ।
मेरा साथ दीजिए, एक एक वोट जनता दल सेकुलर को दीजिए। रिजवान अहमद का निशान क्या है? क्या है माँ? बारे वाली औरत, किसान औरत, सीरियल नंबर 3, पोलिंग दिन की तारीख भी 3, इन्हों जो है तीसरे बेटे भी हैं।